हैवीएस्ट पॉसिबल उन्होंने सैटेलाइट भेजा है, हैवीएस्ट पॉसिबल, जिसका 644 टन जिसका वेट, और उसमें 36 उन्होंने अपने सैटेलाइट भेजे हैं एक दफा में। 36 ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च की हैं, और वो सुनने में आ रहा है कि सक्सेसफुली जो है वो अपनी जगह पे पहुंच गई मैं हैं। बात करूं अपने पड़ोसी मुल्क की, तो वो टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस हो चुके हैं कि पूरी दुनिया, यूरोप जैसी कंट्रीज इंडिया की हेल्प ले रही हैं अपने सैटेलाइट्स को खला में भेजने के लिए। अभी दिवाली के मौके पर इंडिया के गवर्नमेंट ने अपने आवाम को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट को लॉन्च किया, जिसके अंदर तकरीबन 36 सैटेलाइट्स थे, वो खला में भेज दिए। एक तरफ तो ये जो मल्टी सैटेलाइट मिशन है, 36 सैटेलाइट्स का ऑर्बिट में जाना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया ने अपना बना लिया है कि वो अभी उसको गूगल मैप की ज़रूरत नहीं है। और ये आप समझें कि ये एक बहुत बड़ी बड़ी डेवलप थी। भारत को सबसे पहले तो इन्होंने इसको कमर्शियल तौर पे भेजा, 1,000 करोड़ इन्होंने बनाया। दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, यहाँ पर बात हो रही है इंडिया ने जो 36 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जो कि इंडिया का अब तक का इसरो का सबसे भारी भरकम रॉकेट से भेजे गए और सबसे मतलब हैवी मिशन था। तो उसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन है, आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे, वीडियो के लास्ट में बताएंगे डिटेल में, और इससे भारत कितनी ज़्यादा अर्निंग कर रहा है इसरो से। और इसरो को लेकर पहले मजाक बनाया जाता था, लेकिन अब भारत इससे कितनी अर्निंग कर रहा है। आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी दिवाली। दिवाली का त्यौहार आप जम के सेलिब्रेट करें, अपने माता पिता के साथ सेलिब्रेट करें। वीडियो देखते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। सपोर्ट कर रहे हैं वो है इंडिया स्पेस एजेंसी सेज इट्स रॉकेट हैज सक्सेसफुली पुट 36 इंटरनेट सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट, और ये यूके बेस्ड सैटेलाइट कंपनी है जिसके थ्रू, तो कहा जा रहा है कि ये एक और उनकी बड़ी काम है। देखिए मैं भारत के बारे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया साउथ एशिया के बारे में पढ़ता रहता हूँ। उसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हैवीएस्ट पॉसिबल उन्होंने सैटेलाइट भेजा है, हैवीएस्ट पॉसिबल, जिसका 644 टन जिसका वेट, और उसमें 36 उन्होंने अपने सैटेलाइट भेजे हैं एक दफा में, जिसमें 2 सैटेलाइट जो है वो बर्तानिया से आए। अब मैं थोड़ा सा जब इस पर रिसर्च कर रहा था तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत और दुनिया, सारी दुनिया कहां खड़ी। पाकिस्तान के 6 सैटेलाइट है, भारत के 104 सैटेलाइट, आप 6 हैं 104। अब थोड़ा सा मैं ये अर्ज ये करना चाहूंगा कि सैटेलाइट जो है ये इसको भारत को क्या फायदा होगा। भारत को सबसे पहले तो इन्होंने इसको कमर्शियल तौर पे भेजा, 1,000 करोड़ इन्होंने बनाया इस एक सैटेलाइट से। उसके बाद जो मैं देख रहा था, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत के हर कोने में इंटरनेट जो है उनको अवेलेबल होगा। तालीम में पहले ही वो एक बहुत आगे है, खासकर इसमें कंप्यूटर में दे हैव ऑलमोस्ट मोनोपोली। दूसरा इसके पीछे जो इसके मुहरकात हैं, उनकी स्पेस में जो उनकी उनकी एफिशिएंसी है, उसको डायरेक्टली रिलेट किया जा सकता है नासा के साथ, अमेरिका की नासा के साथ। इस वक्त अमेरिका के अगर आप गूगल करके देखें तो उसको चलाने वाले सारे इंडियन नजाद, सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, और वो सारे सारे के सारे इसी, जिस तरह मैं आपको पहले हमेशा अर्ज करता हूं कि तकरीबन जो हमारे नई जो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओ जो हैं, उसका डायरेक्ट फायदा भारत को होगा। बिल्कुल इसी तरीके नासा से सारी टेक्नोलॉजी और सारी चीजें वो भारत उससे मुस्तफीद हो रहा है। अब इंटरनेट की उनकी उनकी तालीम और ज्यादा बढ़ेगी, उनकी इकानमी पे असर पड़ेगा, उनके लोगों के ह्यूमन रिसोर्स, उनके एजुकेशन होगी पूरी दुनिया में, फिर वो भारतीय जाएंगे, भारतीय डायस्पोरा बनेगा, और भारत का इन्फ्लुएंस दुनिया में मजीद बढ़ेगा इसी स्पेस की वजह से भी। इस अगर देखा जाए तो उसके बहुत लंबे जो लॉन्ग टर्म इसके इम्पैक्ट। और दूसरी तरफ अगर मैं ये, बल्कि मुझे अक्सर ये दोस्त कहते हैं कि क्रिटिक से बात ये होती, तकलीफ तो होती है कि आप दूसरी से, आपसे पीआई ये नहीं चल रही, आपने स्पेस में क्या जाना, आप अमेरिका में बैन है बिल्कुल, यूरोप आप नहीं जा सकते, अकॉर्डिंग टू आपके मिनिस्टर सरवर खान साहब के बकौल आपके 30% पीआईए के जो पायलट हैं उनके लाइसेंस ही जाली है, तो स्पेस में आपने क्या करना है जब आप एयरलाइन एक नहीं चला सकते। मैंने जिस तरह की पैरासिटामोल आपके कंट्री में इस वक्त नहीं मिल पा रही, तो आप स्पेस में क्या करेंगे आप। और इस वक्त तो आप, मैंने जिस तरह आपको अर्ज की है कि 4 करोड़ जो है लोग वो खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, लेकिन रियासते मदीना के जो ठेकेदार हैं वो जलसों पे जलसे और सारी चीजें
वो कर रहे हैं। और आज मैं इसको खासकर आपके हालात के ऊपर, मैं दो चीजें मेरे लिए आज बड़ी तश्वीशनाक थी। एक चीज जो देखी, आपके दो आसमा जो है आपकी जर्नलिस्ट वो, और खासकर आपके हामिद मीर साहब, दो प्रोग्रामों में आज उन्होंने तश्वीशनाक चीज कही है कि मार्शल लॉ भी पाकिस्तान में लग सकता है। दूसरी साइड पे सैटेलाइट्स हैं, दूसरी साइड पर चीजें, और आप कंपेयर करें, आप कहां खड़े हैं कि आपके नवंबर में जो एक अपॉइंटमेंट के ऊपर जो पिछले 4 महीने से डेडलॉक है, और वहां पे मार्शल लॉ भी लग सकता है। तो आप देख, आपका कंपैरिजन कोई नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं, अब इस पॉइंट में मैं आ चुका हूं कि आपका कंपैरिजन इस वक्त ना बांग्लादेश से है ना भारत से है, आपका इस वक्त कंपैरिजन अफगानिस्तान से, सोमालिया से है और लीबिया से किया जा सकता है, और इन ममालिक के साथ आपका कोई, आप उस दूसरी साइड पे सरहद के उस पार मेरे ख्याल में अब आपको देखना छोड़ देना चाहिए। क्या करें, वहां से रॉकेट्स जो है वहां पे जाते हैं, यहाँ से रॉकेट्स निकलते हैं तो आपको पता है यहाँ से रॉकेट्स कहाँ से निकलते हैं, कि उनकी डायरेक्शन किस साइड पे है, आपकी डायरेक्शन किस साइड, और तैयारी कहते हैं बच्चों तैयारी करके बैठो। हमने दोस्तों, जब एक तरफ अगर आप देखें कि इंडिया का जो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने तकरीबन 36 ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च की हैं, और वो सुनने में आ रहा है कि सक्सेसफुली जो है वो अपनी जगह पे पहुंच गई हैं। और ये एक पहला कमर्शियल मिशन था इंडियन इसरो का, एक हैवीएस्ट लॉन्चर जिसे समझा जाता है। और ये आप समझें कि ये एक बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट थी, जिसमें स्टेक होल्डर्स भी थे। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का, एक इसरो की कमर्शियल आर्म है उसका, और यूनाइटेड किंगडम बेस से एक वन वेब का था। और अगर आप ये देखें कि ये एक तरफ तो ये जो मल्टी सैटेलाइट मिशन है, 36 सैटेलाइट्स का ऑर्बिट में जाना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया को इसका जारी बात है, एक इंडिया इस तरह की जो इनिशिएटिव लेता है उससे एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इंडिया को पहुंचता है। और तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रिएक्ट कर रहा था इसरो ने जो श्रीहरिकोटा से कल एक रॉकेट लॉन्च किया, जिसमें भारी भरकम 36 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं दुनिया के विभिन्न विभिन्न देशों के। और ये आप समझ सकते हो कि यार, इसरो डे बाई डे हमें गर्व का करने का मौका देता है। और इसरो ने लास्ट टाइम, आपको याद होगा कि सैटेलाइट में तो हमने यार महारत हासिल की है यार, कई बार कई कंट्रीज़ हमसे अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाती हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हों या यहाँ पे साउथ एशियन कंट्रीज़ हों, इवन अमेरिका के कई सैटेलाइट हमने लॉन्च किए हैं। तो आप समझ सकते हो यार, सैटेलाइट लॉन्च करने में बहुत सारे चीज़ों में इसरो ने महारत हासिल की है। अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है चैनल